प्रूनिंग शब्द होता है ना, कटाई छटाई जिसको बोलते हैं पेड़ों की पौधों की, ये हेयर कट की तरह होता है। ठीक है, आप बार्बर के साथ पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि जरा हेयर कट कर दो, तो वो हेयर कट में क्या करेगा, आपकी ट्रिमिंग करेगा, जहाँ पर उसको लगता है सफाई करनी है वहाँ सफाई करेगा, है ना, अगर यहाँ कट करना है यहाँ कट करेगा। बार्बर जो है वो आपकी उंगलियाँ नहीं काट देता, वो आपकी आँख या नाक या कान नहीं काट देता, वो आपकी गर्दन नहीं काट देता। तो हमारे यहाँ पर जैसे प्रूनिंग होती है, मैं देखता हूँ अथॉरिटीज जैसे कर रही होती हैं, तो वो तो इस तरह से होता है कि वो पूरे का पूरा पेड़ ही हटा देती हैं, है ना, छोटा सा मोड़ रह जाता है, फिर कहते जी हमने तो प्रूनिंग की है। नहीं नहीं, वो लकड़ी ले जाके फिर वो मंडी में बेचते हैं, उसको प्रूनिंग नहीं कहते। प्रूनिंग का अर्थ होता है कि आप जो मेन स्टॉक है, ये देखिए जो मेन ब्रांच होती है, इसको रहने देते हैं, और उसके आसपास जो छोटी छोटी ये जो छटाई है, अब देखिए इसकी थिकनेस देखिए, है ना, इसको हम कंपोस्टिंग में डाल देंगे, कंपोस्ट पिट में डाल देंगे, इसकी बहुत अच्छी खाद बनेगी। ये बकैन का पेड़ है, ठीक है। तो अब मैं इसकी जैसे प्रूनिंग कर रहा हूँ, तो आज ये पूरे रो में यहाँ पे 10 जो लगे हैं बकैन के, तो आपको मैं बस एक थोड़ा सा झलक दिखा रहा हूँ कि कैसे होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप उन उन सेक्शंस की ट्विग्स की छटाई करते हैं, कभी भी जो मेन कैनोपी बन रही है, जो मेन ब्रांच है, उसकी कभी छटाई नहीं की जाती, है ना, उसके आसपास जो है उसकी छटाई होती है। ठीक है, अच्छा, मेन चीज जो है ये जैसे स्टॉक है, है ना, ये पेड़ की ट्रंक बनेगा, तो बस इस ट्रंक को छोड़ के वो पेड़ लगना चाहिए, झाड़ नहीं लगना चाहिए, बुश नहीं लगनी चाहिए। जब बुश लगती है तो ऐसा लगता है कि इट इज लो ऑन मेंटेनेंस, राइट। अगर तो घना जंगल है फिर आपको प्रूनिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इफ इट इज अ प्लेस विच इज विजिटेड बाय पब्लिक, अ लॉट ऑफ पीपल कम इन, तो एटलीस्ट हल्की फुल्की ट्रिमिंग जरूर कीजिए। याद रखिए जब भी आप प्रूनिंग करते हैं तो बार्बर वाला एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, नाई वाला, क्या कि आप सलोन में जब जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आपके ऑर्गन्स काटना शुरू कर दें, है ना। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे जब पार्क्स में छटाई होती है, हम देखते हैं बहुत ही रूथलेसली अग्रेसिवली बहुत वायलेंटली छटाई होती है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द प्लांट, राइट। प्लांट के लिए हेल्दी होना चाहिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा होना चाहिए। तो छोटी ट्विग्स जो हैं आसपास जो हैं उसको आप छटाई कीजिए, ताकि जो मेन ट्रंक है वो सुरक्षित रहे और सीधी ऊपर जाके फिर उसकी कैनोपी बन जाए। ठीक है,